ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर सिविल अस्पताल में आए दिन मरीजों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बाद उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेगटा ने आज सुबह सुजानपुर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण मरीजों की लंबी कतारें डॉक्टरों के कमरे के बाहर लगी हुई थी। सुजानपुर सिविल अस्पताल में आए दिन मरीजों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बाद उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा ने सुबह सुजानपुर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण मरीजों की लंबी कतारें डॉक्टरों के कमरे के बाहर लगी हुई थी। उपमंडल अधिकारी शिल्पा द्वारा मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कारण बताओ नोटिस विभाग को जारी कर दिया है और भविष्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। साथ ही उपमंडलाधिकारी शिल्पी ने विभाग को अस्पताल में सूचना पट पर डॉक्टरों की सूची लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुजानपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर के सभी स्वीकृत पद 6 भरे हुए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते जनरल ओपीडी में एक या दो डॉक्टर ही बैठते हैं, जिसके कारण सुजानपुर सिविल अस्पताल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। वहीं अस्पताल में प्रयोगशाला सहायक का पद भी पिछले 2 वर्षों से खाली चल रहा है और विभाग गांव से पीएससी जंगलबेरी और चोरी से डेपुटेशन पर लगातार प्रयोगशाला सहायक को बुला रहा है, जिससे पीएससी जंगलबेरी के लोगों को टेस्ट करवाने के लिए काफी पैसा बाहर खर्च करना पड़ रहा है। उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को आए दिन हो रही दिक्कतों की शिकायतों पर निरीक्षण किया गया और विभाग बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही विभाग को चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कोताही बरती गई है, लगभग 100 पेशेंट्स और उसके अलावा 2 एक्सीडेंट विक्टिम्स थे जो हॉस्पिटल में ही बिना डॉक्टर्स के परेशान हो रहे थे, तो हमने इंस्पेक्शन नोट बना के उपायुक्त महोदय को भेज दिया है। उसके अलावा हमने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है बीएमओ सुजानपुर को और भविष्य में यही कहा गया है कि अगली बारी कोताही बरती जाएगी तो हम इससे भी सीरियस एक्शन लेंगे। गौरतलब है कि इस सिविल अस्पताल में ओपीडी लगभग 300 के लगभग है और यहां हमीरपुर जिले के नहीं बल्कि मंडी और कांगड़ा के लोग भी अपना इलाज करवाने के लिए इस हॉस्पिटल का रुख करते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण दो चार होना पड़ रहा है।